सो भाई आज का सीन कुछ ये है कि हमारी जो बेगम साहिबा है बड़े दिनों से जूतों की मांग कर रही थी और फाइनली हमें फुर्सत मिली है, तो चलिए आज उनको जूते दिलाते हैं। भाई गाड़ी 40,000 किलोमीटर चल चुकी है, टायर चेंज करवाना है। हेलो गाइस, दिस इज सुमंत, वेलकम टू माय YouTube चैनल एसके सुपर ब्लॉग। सो गाइस, जो मेरे कार के 40,000 किलोमीटर हो गए हैं और उसके जो फ्रंट के टायर्स हैं वो थोड़े घिस गए हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना उन्हें चेंज करा दिया जाए। तो चलिए चलते हैं जमशेदपुर और वहाँ टायर्स को चेंज करवाते हैं। मिररलिंग क्या होता है, तो मेरे पास वो मिररलिंग है नहीं। एक्चुअली जिस गाड़ी पे नेविगेशन सिस्टम लगे रहते हैं उसमें मिररलिंग लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जिसमें नहीं होते हैं उनमें लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं बस ये बता सकता हूँ कि ये होता क्या है, तो मैं आपको डेमो देता हूँ। तो जो ये मिरर है, यहाँ पे एक सिस्टम लगता है इस तरह का, ऐसा ये फ़ोन में लगा के दिखा रहा हूँ, बस इस तरह का लगता है और वो आपका फ़ोन से कनेक्ट होता है। तो जैसे आप समझ सकते हैं जो कास्ट स्क्रीन होता है, जैसे आप टीवी से कनेक्ट करते हैं अपना फ़ोन से, उसी तरह का जो इसमें थिंग है वो काम करता है। तो ये होता है मिरर लिंक, और आप उससे डायरेक्टली अपना किसी को भी कॉल कर सकते हैं, वीडियो प्ले कर सकते हैं और सोशल मीडिया वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, इस तरह का चीज़ होता है ये। तो ये होता है मिरर लिंक। तो भैया ये आपका जवाब हुआ कमेंट का, और भी ऐसा कमेंट पूछ सकते हैं आप, तो कमेंट कीजिए और क्या। बात ये है कि ऐसे फर्स्ट टाइम पब्लिक के सामने ब्लॉग करना थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, पर क्या करें भाई, अब करना पड़ता है आप लोगों के लिए। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन थे, जैसे अपोलो मिशलिन, पर हमने जो है ब्रिजस्टोन को चुना बिकॉज ये कंपनी रिकमेंडेड है, और इसके बारे में मैं डिस्क्राइब से पूरा ठीक से बताऊँगा, पूरा विस्तार से बताऊँगा कि क्यों चुना और क्या, और बाकी के बीच में कॉस्टिंग आई है ये भी मैं आपको घर चल के बताता हूँ। यहाँ नहीं, क्योंकि बिकॉज यहाँ बहुत सारे शोर है, पूरा काम चल रहा है, एक्चुअली यहाँ अलाइनमेंट भी होता है गाड़ी की, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, तो वहीं चल के बात करते हैं। एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए। सो रुकावट के लिखे थे, तो जब हम बिलिंग करने जा रहे थे तो वहाँ के जो शॉप के ऑनर है उन्होंने कहा कि भाई टायर्स फ्रंट के चेंज करवाए हो, व्हील अलाइनमेंट भी करवा लो। तो हाँ, ये चीज़ मैंने पहले भी करवाई थी और आपको भी ये रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप फ्रंट के टायर्स चेंज करवाएँ, तो या फिर बैक के भी अगर चेंज करवाते हैं या फिर कंप्लीट एक सेट लगवाते हैं टायर्स का,
तो अपने कार के जो व्हील्स हैं उन्हें जरूर अलाइनमेंट करवाएं, क्योंकि अलाइनमेंट से क्या होता है ना कि जो आपके जो टायर्स हैं उनका लाइफ ज़्यादा बढ़ जाता है और वो थोड़ा कम घिसते हैं। तो ये हमने करवाया तो इसलिए आपको रोक के रखा था। अब आगे का फिल्म पूरा देखते हैं। सिंपल है। सबसे पहला बात है कि जो ब्रिजस्टोन के जो टायर्स है वो कंपनी रिकमेंडेड है। कंपनी रिकमेंड करती है कि आप ब्रिजस्टोन के टायर्स ही लगाएं इनोवा क्रिस्टा में। और एक दूसरी बात है कि जब भी कोई गाड़ी मैन्युफैक्चर होती है तो इंजीनियर्स उसमें बहुत सोच समझ के कुछ भी चीज़ लगाते हैं, कोई भी पार्ट्स लगाते हैं। तो ऑब्वियस बात है टायर्स के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ सोचा होगा कि यही इस तरह के टायर्स ही इसे स्टेडी और स्मूथ फ्लो दे सकते हैं चलने के लिए। तो बात यही है, इसीलिए हमने ब्रिजस्टोन के टायर्स लगवाए। और अब बात करते हैं इसकी कॉस्टिंग की। भाई कॉस्टिंग पड़ा है मुझे एक टायर का 6200। तो हो गए दो टायर हमने लगाए, हमने चार नहीं लगाए बिकॉज पीछे के जो मेरे गाड़ी के टायर थे उनका लाइफ अभी अच्छा था, अच्छा खासा था, और तो इसलिए हमने पीछे के नहीं लगाए, सिर्फ आगे के ही लगाए। तो दोनों टायर का कॉस्ट पड़ा मुझे 12400। फिर अब बात करते हैं अलाइनमेंट। हमने अलाइनमेंट भी करवाया जिसकी कॉस्टिंग पड़ी हमें 300। तो टोटल हुआ 12700। तो ये हुआ हमारा टोटल का नेट अमाउंट 12700 का आज हमने खर्चा है धनों पे। तो ये बात है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको बहुत सारा बातें इसमें से समझ आई होगी कि किस तरह का टायर लगवाते हैं और क्या क्या चीज़ हमें ज़रूरी है जब भी कोई टायर चेंज करवाए और ये सब बात। So if you like the video then please do like, share and subscribe my channel and hit the bell icon for our future notification. Till then bye bye, take care and keep smiling.